ये ठल ठल की आवाज कहाँ से आ रही है? दीक्षांत भाई, नोबिता, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे नहीं पता है। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। आहा, क्या दर्द है मेरी आवाज में, जाने क्या होगा क्या होगा क्या पता। आहा, क्या दर्द है मेरी आवाज में, जरा मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ मेरी बाहों में आ जा। जा। मेरी आवाज में ओ जाने जा दोनों जा मेरी बाहों में आ बोल जा। क्या दर्द है मेरी आवाज में, शबन आ रही हूँ सोचा करूं पहली पहली बार मोहब्बत की है। एक बार रुकना गाइस, मैं अपना एक चीज बताना चाहता हूँ। मेरे ग्रुप के अंदर ना जो मेरे को सबसे ज्यादा ललकार रहा ना पिछले कुछ दिनों में, ये गर्वित गोयत बोलता, मेरे को सुनो, मेरी बात सुनो, कैमरा इधर आओ। गर्वित मुझे कहता है भैया आप रिलैक्स करें, 110 की स्क्वाट्स मारता कहां पर जिम कब से स्टार्ट करेगा तू? चलो स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो इसको। गाइस अगर आप करुण भाई मैं इसका लड़ू यार, लड़ो है लड़ो ओ भाई आराम से अवंती अवंती किसको पकड़, नवनीत नवनीत बना इसी 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 कैमरे एंगल पे बनाइए। बोला कि हम रात को मूवी देखने जा रहे हैं, इसी फट गई मैं टोटली। गर्वित ने मुझे नहीं बोला मेरा कौन कौन जा रहा है, एक कुछ बोलता भाई। अच्छा मैंने बोलता बोला मुझे अपने गोदी में उठा लियो, मुझे भी ले चलियो मैं भी चल पड़ूंगा, ऐसे थोड़ी बोलता फट गई थी। तो कुछ भी बोलता है भाई, कुछ भी बोलता है। सुन तू सड़ क्यों जाता है यार, इसको मजाक चल रहा है। कैमरा दे मैं बोलता जो बंदा बोल रहा है, वी विल गिव यू 2 मिनट्स, डोंट वरी, वी विल वेट फॉर हिम, वेट फॉर हिम। जो बंदा बोल रहा है मुझे जिम में उठा लो, मुझे गोदी में बोल ले भाई, भाई वी विल गिव यू 2 मिनट्स, वी विल गिव यू 2 मिनट्स। तो ये बोलता है मुझे गोदी में ठालो, मैं टिच्ची में ठालो, मैं मूवी देखूंगा। मूवी पता नहीं कौन सी, मुझे पता नहीं कौन सी, इसको देख कैसे बैठा हुआ है, उसकी अपनी मर्जी। देख यो बोली, मैंने चाहिए लंबा गाड़ी गाड़ी के ऊपर। अब इसकी जान, अब तू बोलना चाहेगा कुछ? मैंने बोला था मेरे को ले चलिए गोदी में उठा लिया, बाकी बोला इसने भाई मैं रथ में थोड़ी जा रहा हूँ जो गोदी में उठाऊंगा, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, रथ में नहीं जा रहा हूँ जो गोदी में उठाऊंगा। किसकी गोदी में बैठेगा? गोदी में क्यों बैठेगा? गोदी में बैठेगा, चुभेगा नहीं इसको कुछ। कौन आ गया? काट दिए फोन भाई, सड़ जा भाई, सड़ जा, फट गई, फट गई, फटाड़ा निशान था दूसरा, फट गई दोनों मिनट्स में, फट गई निशान की बहुत ज्यादा फटती है इन चीजों में। निशान देख क्या बोल रहे हैं, निशान हम क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अवंती को आवाज आ रही है तो बोलो आई लव यू, आई लव यू, बस बस ताड़ियों के साथ थोड़ा गाना मनोरंजन हो जाए। एक चाय की प्याली हो कोई उसको पिलाने वाली हो। ओह क्या दर्द था मेरी प्याली में, यहाँ पे लड़कियों को गुड नाइट करेंगे। ठीक, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शब्बे की जाए। दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, अगर तुमने कॉलेज लाइफ में लड़कियों के हॉस्टल के सामने जाके लूटीबाजी नहीं की तो क्या किया? कुछ नहीं किया मैडम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सो जाओ सारे, ठंड बहुत हो रही है, शुभ रात्रि, अवंती ग्वालियर दी साइड, पीस, गुड नाइट।
कॉलेज में ना मैंने आज तक ना बहुत रेयर होगा कि मैंने कभी कपड़े खुद प्रेस किए होंगे या फिर खुद धोए होंगे, ठीक है। अब जो मतलब मैं नहीं धोता, मैं लॉन्ड्री में दे देता हूँ, और मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि ना सबसे ज़्यादा तो जो आयरन करके देते हैं ना कपड़े, यानी कि प्रेस करके देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे करना नहीं आती है, मैं अभी कर रहा था क्योंकि यार, और मेरे को करंट लगी यार इस, यार ये देखो, ये ना मैं शर्ट को प्रेस कर रहा था, जो ये वाला एरिया ना इसका देखो, ये वाला, ये थोड़ा ना एक्सपोज्ड है यार, मेरे को यहाँ से करंट लगी यार इतनी जोर की। अब मुझे ये वाली शर्ट पहनने का बड़ा मन है यार, अब यार ये भाई इसको ऐसे ही करते हैं जैसे हो रही है और वैसे ही पहन लेंगे। सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, कुछ ऐसा हो जाता ना, इतना अच्छा मेरा मूड था, इतना ज़्यादा अच्छा मूड था, करंट बजी, बट चलो दिस इज़ ऑल लाइफ, इट इज़ वॉट इट इज़, जैसे कि आयुष भाई बोलते हैं, कुछ नहीं होता भाई। तू दूर ही रहा यार, तेरे से डर लग रहा है। सूरज की किरणें देख रहे हो ना, ये अभी मौसम ठीक हो गया है। सुबह कम से कम 7:30 बजे के आसपास ना इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी ना, और अब वो मौसम स्टार्ट हो गया है ना ठंड का, जिससे मेरे को इतनी ज्यादा नफरत है ना। एक तो आदमी अगर सिंगल हो ना तो ठंड का मौसम में और ज्यादा ठंड लगती है ना। चलो अब चलते हैं क्लास। आज के शेड्यूल के हिसाब से मेरी 2 क्लासेस फ्री हैं, मतलब मेरी पहली क्लास है, उसके बाद मेरा फ्री लेक्चर है, लेकिन उसके अंदर मेरे को 15 पेज की असाइनमेंट बनानी है। क्यों? क्योंकि अगर पेपर में फेल हो गए तो इंटरनली तो थोड़े से मार्क्स मिले, जिसकी वजह से थोड़ी सी तो हमें वो स्फूर्ति मिले पास होने की, तो वो असाइनमेंट बनानी है। फिर उसके बाद एक लेक्चर है, और उसके बाद हमें एक व्लॉग एडिट करना है जो अपलोड करना है, फिर उसके बाद लंच ब्रेक है, फिर 2 लेक्चर्स है 3 घंटे के, और उसके बाद हम फ्री होके कमरे में आके मर जाएंगे यहाँ पर, यानी कि सो जाएंगे। आपको याद होगा शायद से ये मैंने लिया हुआ था 15 रुपये का, गर्वे इतने ज़बरदस्ती की थी ये अगरबत्ती लेने की। अब ले तो लिया, अब मैं कृष्ण भगवान के आगे पहले इनको जय कर दो, आप इनके सामने मैं जलाना चाहता था, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास ना माचिस है ना लाइटर है, अब कैसे जलाऊँ मैं? क्या रूल्स आए हैं? 75% और क्या कहते हैं यूनिफॉर्म, हमने तो यूनिफॉर्म अभी 3 सालों से नहीं ली, अब हम 1000-2000 रुपए यूनिफॉर्म खरीदने पे लगे हैं। मत पूछो, लेगा तो यूनिफॉर्म? मत पूछो, बहुत दर्द है मेरी बात में। तू लेगा यूनिफॉर्म? नहीं लेनी पड़ेगी, 3 साल से नहीं ली, अब लेनी पड़ेगी यार। 1500 इन्वेस्ट कर, 2000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कहाँ से करे यार? क्या फोन करे यार घर वालों को, इतने पैसे घर से 3 बार तो पैसे मंगवा लिए यूनिफॉर्म लेने। साल तक यूनिफॉर्म लेगा तू? ये है बस। क्या? ये वाइट शर्ट है तो नीचे पैंट के लिए भी बोला होगा। ऐसी चल देगा, ऐसी चल देगा पक्का। और अटेंडेंस का क्या करता है? टाइम बताएगा। उन्होंने ये अटेंडेंस का क्या करना है? भगवान भरोसे, भगवान लगाएंगे, बाकी देखो क्या बनेगा। अभी का सीन ये है कि मैं हूँ A2 सेक्शन में, और आयुष और गर्वित और करुण है A1 सेक्शन में, ठीक है। तो आज ट्यूसडे का दिन ऐसा होता है कि जो 4th लेक्चर होता है, जो 2nd लेक्चर होता है ना, तो वो A2 वालों का फ्री होता है और A1 की क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो अभी मैं 4th लेक्चर में हूँ, मेरा बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे को असाइनमेंट्स बनाने हैं, तो कब से लगा हूँ मैं, बहुत लंबी असाइनमेंट है इसको बनाने के लिए। तो अब इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, और फिर उसके बाद जाएंगे लंच करने के लिए, और उसके बाद सारी क्लासेस लगाएंगे। और जब तक हम ये सेमेस्टर ख़त्म नहीं करेंगे, हम पूरी क्लासेस लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया मैंडेटरी हो गया। सिटी मारते हैं साथ में। चोड़ा क्यों हो रहा है? नॉर्मल क्वेश्चन पूछा मैंने, वो इसको ले जाओ आपके। क्या दो मैं भी देखो। अभी टाइम हो रहा है इतना, यानी कि 5 मिनट का हम 10 बज रहे हैं, और तुम इसे देखो, ये तुम खुश इंसान देख रहे हो, ये मैं ही हूँ, ठीक है।
आज मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा है ना, कसम से इतना ज़्यादा गुस्सा है ना, और मेरे पास चिल्लाने के लिए ना सिर्फ तुम सभी हो। तो आने वाले मिनटों में मैं कुछ चिल्ला रहूँगा, अपना दर्द अपना दुख बयां कर रहूँगा इस कैमरे पे। लेकिन सबसे पहले ये मेरे को हॉस्टल फॉर्म जाके ना अपने वार्डन को जमा करना है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 महीने हो गए हैं, 2 से 2.5 महीने हो गए हैं मैं इस हॉस्टल में। मेरा नया सेशन स्टार्ट भी हो गया, यानी कि 2022 से लेकर 2023 वाला। पिछले 2 महीने से वार्डन मेरे से रिसिप्ट वगैरह मांग रहा है, मैंने फीस पे कर दी हुई है, लेकिन इतना आलसपन है कि मैं अपने कमरे से जाकर, सबसे पहले तो मैंने फोटोस्टेट ही नहीं करवाए थे 2 महीने ये, ठीक है, फोटोकॉपी इनकी करवानी थी वो ही नहीं करवाए हुए थे, और अब जाके आज वार्डन दिखाया मेरे को, तो रो ऐसे तो रोज ही दिखता है, तो अब जाके मैं उसको जाके सबसे पहले ये सबमिट करूंगा, और उसके बाद मेरे को तुम्हारे से कुछ बातें करनी है। तो यार मैं सारा काम खत्म करके आ गया हूँ अपने रूम में, ठीक है। अब ना यार मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने इस ब्लॉग को, अगर मैं तुम्हारे साथ मैं अगर अपने अच्छे मोमेंट शेयर करता हूँ ना, तो यार मैं चाहता हूँ कि ना तुम सिर्फ मेरे ब्लॉग्स को ऐसे फनी वे में मत देखो, लेकिन तुम्हें पता हो यार कि रियलिटी क्या है। मैं हमेशा रियलिटी वाले ब्लॉग्स बनाता हूँ, कभी भी डरा नहीं यार सच्चाई दिखाने से, ठीक है। और यार अब यार ये होस्ट यार ये कॉलेज यार कितना बेकार है यार, कसम से मैं कभी कभी सोचता हूँ यार ये कॉलेज लाइफ कितनी बेकार होती है यार। मैंने 3 साल में ना, हमने सिविल इंजीनियरिंग के, मैंने जब फर्स्ट सेमेस्टर में आया था ना, तब हमने एक यूनिफॉर्म सिलवाई थी, ठीक है, 3 साल हो गए, ठीक है। और उसके बाद ऐसे कोविड वगैरह का फेज़ आया, हमारी भी क्या गलती है यार, कोविड आया हमने यूनिफॉर्म वगैरह पता नहीं कहाँ पर फेंक दी, मेरे को तो पता भी नहीं है कि मेरी यूनिफॉर्म कहाँ पर है, ठीक है। तो अब 3 साल हो गए, अब जो बच्चा फाइनल ईयर में है, ठीक है, और वो फाइनल सेमेस्टर में, वो कहाँ यूनिफॉर्म पहनेगा। अब यार हमारे कॉलेज में इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है ना, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है अटेंडेंस को लेकर, ये यूनिफॉर्म को लेकर, उसके ऊपर यार मेस का इतना गंदा खाना। यार मैं चाहता हूँ हॉस्टल छोड़ना, लेकिन अब 20 सेशन में आ गए हैं, हॉस्टल भी नहीं छोड़ सकते हैं। सुबह उठा करंट बजी यार, गर्दन में इतनी ज्यादा दर्द हो रही है यार, जिंदगी ना हर जगह से खाने को लगी हुई है। सबसे ज्यादा दुख पता है किस चीज का हो रहा है यार, मैं कितना ज्यादा प्रिपेयर था यार घर पे जाने के लिए, घर पे छुट्टियां काटने के लिए। मैंने कहा था 20 तारीख को मैं जाऊंगा यहां से और 30 तारीख तक मैं वापस नहीं आऊंगा, यानी कि 10 दिन की छुट्टियां मैं आराम से खाऊंगा, दिवाली में अच्छे तरीके से एंजॉय करूंगा, घर पे जाऊंगा दिवाली के पहले और दिवाली के बाद चिकन मटन वगैरह अच्छे तरीके से खाऊंगा, ठीक है, मोटा होके आऊंगा। लेकिन अब अटेंडेंस का इतना ज्यादा इशू पड़ गया, इतना ज्यादा इशू पड़ गया कि 75% मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, और अब दिवाली पे शायद से मैं घर जाऊं तो 2-3 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगा, यानी कि सैटरडे संडे और मंडे के दिन दिवाली, या मंडे के दिन रहूंगा, ट्यूसडे के दिन मुझे वापस आना पड़ेगा। यार अब कैसे जाए कोई बंदा, अब उसके यही टेंशन पड़ गई है कि भाई वो कैसे करे, अटेंडेंस कैसे मेंटेन करे। आज पैम्पलेट आया वो था अटेंडेंस का, मेरी 23, 43, 50 और 17 और 1 में तो 0। मेरे को तो आज पता चला कि मेरी 1 प्रोजेक्ट के अंदर 0 अटेंडेंस है। अब मैं कैसे मेंटेन करूं उस चीज़ को? तो चलो यार उस चीज़ का डर नहीं है कि डिटेन, मतलब डर तो है डिटेन होने का, उस चीज़ का है, लेकिन यार मेरे साथ तो चलो थोड़े और भी बच्चे हैं, और ऐसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी 0-0 हर किसी के अंदर अटेंडेंस है, उन बच्चों को देखकर थोड़ी उम्मीद आती है। लेकिन आयुष और करुण और गर्वित औरों को देख के यार वो थोड़ी सी यार ये भी होती है कि भाई हम क्या कर रहे थे यार, अगर वो निकल के आ गए और मैं भाई डिटेन हो गया, फिर वो आ जाता ना थोड़ा कि भाई जेलसी वाला फैक्टर भी आ जाता है कि भाई अपने दोस्त कहीं पर पास हो गए और मैं हो गया, तो भाई अब यार ये बहुत गुस्सा आ रहा है यार, कसम से अपने अंदर ना फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है ना कि मेरे पास ना कोई है नहीं बंदा निकालने के लिए। इसलिए मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि इस वीडियो का क्या रिजल्ट होगा, मैं क्यों इतना गुस्सा कर रहा हूँ कैमरे के ऊपर, क्या ये मेरे को बोलना भी चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। बट इट्स जस्ट लाइक आई लव यू गाइस सो मच ना, कि मतलब मैं हर एक चीज तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। सक्षम गुस्सा नहीं शांत। टिल देन यार आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। ये व्लॉग आई होप मैंने एक बुरे नोट पे नहीं एंड किया हो, तुम्हें हंसी भी आई हो पूरे दिन में, तुमने मेरी पूरे डेली के दिन को देखा भी हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। टिल देन यार आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।